फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक। ये बहुत ही क्रीमी बनके तैयार होता है और हम इसमें बिल्कुल भी आइसक्रीम का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इन्हें कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ली है, 1 कप मिल्क और थोड़ा सा हमने मिल्क मेड लिया है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अब हम सबसे पहले हम जार में स्ट्रॉबेरीज और चीनी को डाल के इसे क्रश कर लेंगे। इसे क्रश करने से सारे स्ट्रॉबेरीज अच्छे से क्रश हो जाते हैं। अगर आप दूध भी साथ में डाल देंगे तो वो स्ट्रॉबेरीज क्रश होने के कम चांसेस होते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क और साथ में हम इसमें 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क भी डाल देंगे। और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर तक ना आ जाए। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। तो अब हम इसे ग्लास में पोर करेंगे। ग्लास को हमने फ्रीज़र में रख दिया था और ये देखिए कितना क्रीमी बन के हमारा शेक तैयार हुआ है। एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे कुछ स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगे आपको ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।